हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ग्राफ को पाइथन के थ्रू। आप इसको सीख के अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ में आप अपने ऑफिस के अंदर एक अलग ही इम्प्रेशन बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ पिप्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम इंस्टॉल करते हैं। चलिए हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आते हैं और टास्क बार में हम सर्च करेंगे CMD। हम कमांड प्रॉम्प्ट को ऑन करेंगे, उसमें हम लिखेंगे pip install plotly। देखो यार, ये मेरे सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल है, मैं बस आपको दिखाने के लिए ही इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो आप ऐसे ही आप भी इंस्टॉल कर लेना। अगला हम इंस्टॉल करेंगे pip install numpy। एंटर मारेंगे। देखो मेरे अंदर पहले से ही ये इंस्टॉल है, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। ये इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसके बिना ग्राफ्स नहीं बनेंगे। तो इसको इंस्टॉल कर लेना। अब हम इसको क्लोज कर लेंगे। देन हम अपने फाइल में जाएंगे जहाँ पे हमें पाइथन के अंदर ग्राफ बनाना है। देन हम कॉलम्स में जाके लिखेंगे CMD, क्योंकि हमें डायरेक्ट यहीं से ग्राफ बनाना है। ओके, हम कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए हैं। अब मैं यहाँ लिखूंगा जुपिटर नोटबुक। उम्मीद करता हूँ आपको जुपिटर नोटबुक यूज़ करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देखिए हमारा जुपिटर नोटबुक खुल गया है। आप जुपिटर के अलावा विजुअल स्टूडियो कोड में भी लिख सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं, बट मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसको इसमें सब कुछ सामने सामने दिख जाता है। देखिए हमारा जुपिटर खुल गया है। अब हम इसमें नई फाइल बना लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं इसको। देखिए अब हमारा नई फाइल बन गई है। तो अब हम इसमें लिखेंगे इम्पोर्ट मेटाप्लोटलिब डॉट पीवाई प्लॉट एज PLT, यानी हम मेटाप्लोटलिब को एज अ PLT के लिए लिख रहे हैं, ताकि हमको डायरेक्ट PLT ही लिख के काम हो जाए, हमको पूरा मेटाप्लोटलिब लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। देन हम लिखेंगे इम्पोर्ट numpy एज अ NP। फ्रेंड्स, ये कमांड्स होते हैं जिसके वजह से हमारा पूरा कोड चलता है, तो इसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन दोनों को सबसे पहले लिखा जाता है। देन हम अपना x वेरिएबल बना लेते हैं। देन x इज इक्वल टू np, np इज ए numpy। देन सो प्लीज इसको लिख लेना np.array, जहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं 50, 100, 150, 200, 250।
ऐसे ही अब हम y के लिए भी बना लेंगे। देन y वेरिएबल इज इक्वल टू np डॉट अरे देन कॉलम इसमें भी हम शुरू कर देते हैं। इसमें भी हम कुछ वैल्यूज को लिख लेंगे। देखो यार ग्राफ जो बनता है वो x और y कॉलम को मिला के बनता है, इसलिए हमें x और y वेरिएबल्स को तो सेट करना ही पड़ेगा, तो इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है। ओके हमने दोनों वेरिएबल्स को बना लिया है। अब हम लिखेंगे प्लॉट डॉट प्लॉट एक्स एंड वाई, क्योंकि हम इन दो वेरिएबल्स को मिला के ही बनाने वाले हैं ग्राफ को। अब हम इसका टाइटल सेट करेंगे कि हमें इसका क्या टाइटल चाहिए, तो हम करेंगे plt डॉट टाइटल, जिसमें हमने टाइप टाइटल का नाम देते हैं सपोर्ट वॉच डेटा। ओके हमने अपने वेरिएबल का नाम दे दिया है और टाइटल का नाम भी दे दिया है, तो अब हम देते हैं अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नाम। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है प्लॉट डॉट एक्स लेवल, इसमें लिखेंगे अपना x एक्सिस डबल कॉलम लगा के, ये लिख दिया मैंने x एक्सिस। अब हम अगले ऐसे ही y के लिए भी लिखेंगे देन plt डॉट y लेवल, फिर हम सेलिंग कॉलम डबल सेलिंग देन डबल सेमी कॉलम लगा के हम लिखेंगे y एक्सिस। ये हमने अपने एक्सिस को सेट कर दिया है। अब हम लिखेंगे प्लॉट डॉट शो कोष्टक। देखिए हमारा ये कोड तैयार हो गया है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। अरे यार कोड फेल हो गया। अरे देखो कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, कहाँ गलती कर रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ मैं, कहीं तो गलती किया मैंने पूरे कोड में। अच्छा मिल गया। अच्छा यार मैंने यहाँ गलती कर दी ना यार, यहाँ मेटाप्लॉटलिब डॉट पी वाई प्लॉट लिखना था, तो हम लिख लेते हैं इम्पोर्ट मेटाप्लॉटलिब डॉट पी वाई प्लॉट एज ए पी वाई। देखो यार गलतियाँ सबसे होती हैं, तो आप इस गलती को ध्यान से रखना, इसलिए बोलता हूँ पूरा वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी बीच में कहीं मिस्टेक कर दूँ तो आगे मैं उसको सुधार देता हूँ। देखो ग्राफ प्लॉट हो चुका है। इस तरीके से आप एक बहुत बढ़िया सा ग्राफ बना सकते हैं और ऑफिस में आप अपना इम्प्रेशंस बना सकते हैं। तो आगे भी अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आपको बताऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोस को वॉच करना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।